बेसिकली हमने अकाउंटिंग बेसिक्स डिस्कस करनी है, ठीक है। अकाउंटिंग है क्या? हमारा बेसिकली आज का जो लेक्चर होएगा वो बेस कर रहा है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, एज पर डेफिनेशन अकाउंटिंग को किस तरह से मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं और कहाँ से हम अकाउंटिंग को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ वी से कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करें, तो अकाउंटिंग को अगर आप डिफाइन करते हैं तो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये फर्स्ट स्टेप है, रिकॉर्डिंग, कैटेगराइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। And presenting financial information, ठीक है। तो अगर हम देखें basically ये चार चीज़ों का नाम है, ठीक है। एक recording है, एक recording है, दूसरा categorizing है, तीसरा summarizing है और चौथा presenting है। और ultimate aim जो है accounting का वो presentation ही है, ठीक है, प्रेजेंटेशन ही है। ये हम बाकी सारी जो चीजें हैं वो सीखते इसलिए हैं ताकि हम प्रेजेंटेशन कर सकें। किस चीज की प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन करनी है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम सीखते हैं, जिनको हम बनाना सीखते हैं यहाँ पे, वो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, जिसको हमें प्रॉफिट बताती है। इनकम स्टेटमेंट का जो नाम है एज पर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग जो है वो नाम है एसओसीआई। एसओसीआई से मुराद है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको आम जुबान में लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। दूसरा है जी एसओएफपी। एसओएफपी से मुराद है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप आम जुबान में बैलेंस शीट भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है कैश फ्लो, और चौथा है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इक्विटी होता है जो ओनर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं हम आगे जाके सीखेंगे कि वो इक्विटी के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, तो उन रिजर्व्स में जो चेंजेस आ रहे थे उसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में डील करते हैं, चेंज इन इक्विटी। सो बेसिकली दीज आर द फोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कम्प्लीट कोर्स। और अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो प्रेजेंटेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है। लेकिन इन जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन जो है किस बेसिस पे होनी चाहिए? इट शुड बी एज पर IFRS। एज पर IFRS, ये IFRS क्या है? ये अकाउंटिंग का के वो स्टैंडर्ड्स हैं जो जिनको अगर हम मीट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। और यही जरूरी है, ट्रू एंड फेयर व्यू जब तक नहीं होगा तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई मकसद नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही इसलिए हैं ताकि स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं मतलब और दोस पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दो शुड हैव अ क्लियर व्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो उनको क्लियर रिकॉर्ड कब मिलेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू कब मिलेगा? जब हमारी अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन जो है इट शुड बी एज पर IFRS। IFRS क्या होता है? IFRS होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स।
तो ये आपका जो है बेसिकली अल्टीमेट एम है अकाउंटिंग का, जिसमें हम प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल्स और बाकी सब चीज़ें, ये जो रिकॉर्डिंग है, कैटेगराइजिंग है, ये समराइजिंग हम सीखते इसलिए ताकि हम अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन जो है अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी प्रेजेंटेशन कर सकें टू आवर स्टेक होल्डर्स, और वो एज वी टोल्ड अर्लियर कि दे मस्ट बी ट्रू एंड फेयर। अब हम बेसिकली जब प्रेजेंटेशन की तो जाते हैं तो सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग करना आना चाहिए। रिकॉर्डिंग के लिए हमें जो पहली जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए कि हम मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं अकाउंटिंग की उनको अच्छी तरह से जान लें, वो कौन सी अकाउंटिंग की कैटेगरीज हैं जिनमें डिवाइड किया जाता है, और रिकॉर्ड करते वक्त हम उन्हीं कैटेगरीज में अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं हर ट्रांजेक्शन को। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग कैटेगरीज हैं अगर हम उनको डिफाइन करें, कैटेगरीज एक वो जो डेफिनेशन वाली कैटेगरीज हैं That is something different. वो basically उसकी further सब क्लासेज और एक टेक्निकल कैटेगरीज है। यहाँ पर हम एक जनरल कैटेगरीज की बात करें तो अगर जनरली बात की जाए तो अकाउंटिंग में चार तरह की कैटेगरीज हैं, कुछ लोग इसको पांच भी कंसिडर करते हैं, लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। यहाँ पे एसेट से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो बिजनेस जिनको ओन करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में कुछ जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें IFRS ने बता दिए हैं। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं, वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम अज्यूम करते हैं कि ये तो उधर होंगे ही होंगे जब हम अकाउंटिंग की फाइनेंस ट्रू एंड फेयर व्यू की बात कर रहे हैं, और इनको हमने अज्यूम कर दिया है कि जो है इनको हमने अज्यूम कर दिया कि ये इधर मौजूद हैं हमारे पास, यानी बेसिकली हम इनको ये हमारी हर प्रेजेंटेशन में, हर रिकॉर्डिंग में ये उधर मौजूद हैं, ठीक है। तो हम जब भी एसेट्स की बात करते हैं तो ये भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसको गवर्न करता है एसेट्स को डिफाइन करने के लिए, उसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखो एक होता है एसेट का लीगली ओन करना। अब आप एक घर को तभी अपना एसेट कंसिडर करते हैं जब वो आपका एज पर लीगल पैरामीटर्स वो आपका है, ठीक है। अगर वो लीगल पैरामीटर्स आपका नहीं है तो आप उसको अपना एसेट कंसिडर नहीं करते। लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपका लीवरेज देती है कि अगर कोई एसेट आपके कंट्रोल में है और वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको एसेट कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीज होल्ड एसेट। अब लीगली लीज होल्ड एसेट जो है वो आपके एसेट नहीं होते, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आप इसको एसेट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमें ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है इसको वो हमें इजाजत देता है कि हम इसको सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से हम ये लीज होल्ड एसेट को अपना एसेट कंसिडर कर सकते हैं। ब्रॉडर वे में देखा जाए तो एसेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स और दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो एक साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाते हैं, वन ईयर वो एक्सपायर हो जाते हैं, और नॉन करंट कौन से होते हैं जो के एक साल से ज्यादा आपके लिए यूजफुल होते हैं। करंट एसेट्स को अगर हम डिफाइन करें तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है क्योंकि अकाउंटिंग बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है, तो पीरियड के आखिर में जो आपके पास स्टॉक या इन्वेंट्री पड़ी हुई है दैट इज योर करंट एसेट। क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपके डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स या रिसीवेबल्स जो मर्जी उन्हें आप नाम दें या अकाउंट रिसीवेबल्स, और उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल्स या अकाउंट पेएबल या खाली पेएबल, जिस तरह भी आप इसको कह दें। जो एक साल के अंदर अंदर पेपर होते हैं सिर्फ वो ट्रेड पेपर, उसके बाद फिर आपका सॉरी ये हम बात कर रहे थे करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स में ट्रेड पेपर्स नहीं आते, सॉरी हाँ कैश एट बैंक और आखिरी जो है कैश इन हैंड। बैंक जो जो कैश आपका बैंक में पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है आपका अपना है, दैट इज योर करंट एसेट, कैश इन हैंड भी आपका करंट एसेट है। और दूसरी तरफ आते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग,
furnitures, fixtures and fittings से मतलब all those things that are fixed and fit in the building, ठीक है, motor vehicles, equipment, general equipment इसमें हम consider करते हैं, जिसमें computer equipment वगैरह जो भी कुछ आ सकता है, और plant and machinery, तो ये सारे आपके assets की category में आते हैं. Once we are done with assets, तो अब आपके पास अगली बात आती है liabilities. Liabilities के साथ एक और चीज़ जिसको हम इसी कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, कैपिटल भी हो सकता है. ये दोनों बेसिकली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइबिलिटीज टूवर्ड थर्ड पार्टी है और कैपिटल टूवर्ड्स ओनर है. थर्ड पार्टी से जब आप पैसे देते हैं अगेंस्ट इंटरेस्ट, उसे आप लाइबिलिटी कह देते हैं, और अगर आप ओनर से पैसे देते हैं अगेंस्ट प्रॉमिस ऑफ प्रॉफिट, तो वी कॉल इट एज कैपिटल. जो लाइबिलिटीज हैं इसको अगर हम देखें तो ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है. एक कैटेगरी आपकी करंट लाइबिलिटीज की आ जाती है और दूसरी आपकी लॉन्ग टर्म कैटेगरीज आ जाती है. करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स आते हैं जिनको आपने पे करना होता है, या इनको हम ट्रेड पेबर्स कहते हैं या खाली पेबर्स भी कहते हैं, ट्रेड पेबर. और उसके बाद ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जब आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ कर देते हैं जिसको आपने बैंक को वापस पे करना है अलॉन्ग विद डेली बेस इंटरेस्ट चार्जेस, वी कॉल इट एज ओवरड्राफ्ट. लॉन्ग टर्म से क्या मुराद है? लॉन्ग टर्म से मुराद है लॉन्ग टर्म लोन्स. ये आपकी लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं. इनकम से मुराद तमाम के तमाम अर्निंग्स ऑफ बिजनेस, अर्निंग्स. और एक्सपेंस से मुराद सारे के सारे आपके स्पेंडिंग ऑफ बिजनेस. इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है अर्निंग या स्पेंडिंग में, कि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस मुराद जो है वो कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में जो हम कंसेप्ट फॉलो करते हैं दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट. एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये है कि कैश एंड प्रॉफिट are two separate things and we consider all those transactions as expense or income, whether पेड और नॉट और नॉट. बेसिकली अगर एक टाइम स्पैन के अंदर कोई चीज़ आ रही है, जैसे बिजली का बिल है, आपने पे चाहे उस टाइम के बाद कर रहे, लेकिन इसको आप एक्सपेंस इसी पीरियड में करेंगे जब यहाँ पे करेंगे, वो कैश कंसिडर होगा, वो आपका एसेट का आउटफ्लो है. ठीक है, यहाँ पे आप उसको एक्सपेंस, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंस या इनकम है उससे मुराद वो तमाम अर्निंग या स्पेंडिंग है जो इस पीरियड से बिलोंग करती है, चाहे आपको फिजिकली वो कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ. अगर वो डेफर्ड पेमेंट है, डेफर्ड आपने करके पेमेंट या रिसीविंग करनी है, तो उस सूरत में भी वो आपका कैश का आउटफ्लो है. यहाँ पे आप उसको इसी पीरियड में एक्सपेंस या इनकम ही कंसिडर करेंगे, तभी आप ट्रू एंड फेयर व्यू की तरफ जाएंगे. ये डेफर्ड से मुराद होती है कि जिसको आप डिले करके पे कर देते हैं. ठीक है, बेसिकली इनकम या एक्सपेंस में जो मेन इनकम है वो आपकी सेल्स है, और जो मेन एक्सपेंस है दैट इज योर परचेज. दोनों से मुराद हैं जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप अदर देन नॉर्मल कोर्स को सेल्स में कंसिडर करेंगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्टॉर्ट हो जाएगा. जैसे कि एक फर्नीचर शॉप वाला है, अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा प्लॉट पड़ा हुआ है, उसकी नॉर्मल सेल्स हैं सपोज 1 महीने की 1 लाख, वो प्लॉट उसने बेचा उस महीने की सेल्स उस तरह, तो उसके पास 50 लाख आ जाएगी, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा ना व्यू स्टेक होल्डर्स के लिए. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो नॉर्मल यहाँ पे सेल्स मिला वो तमाम सेल्स हैं जो सिर्फ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अवेलेबल होंगी. फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्नीचर शॉप है, उसके लिए नॉर्मल कोर्स सिर्फ फर्नीचर की बाइंग और सेलिंग है, लेकिन अगर कंप्यूटर खरीदता है तो वो उसके एसेट में कंसिडर होगा. इसी तरह अगर कंप्यूटर शॉप वाला फर्नीचर बाय करता है तो वो उसका एसेट है, लेकिन कंप्यूटर्स की बाइंग और सेलिंग उसका जो है वो आपका उसका नॉर्मल कोर्स है. तो यहाँ पे सेल और परचेज से मुराद वो है जिसके लिए नॉर्मल कोर्स, उसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, अगर वर्ड्स यूज हुआ है गुड्स का, स्टॉक का, इन्वेंट्री का,
या फॉर रीशेयर पर्पज उसने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप ये इसको शेयर या परचेज के लिए कंसिडर किया। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और वर्ड यूज हुआ है तो वो आपका एसेट है, खरीदने पे एसेट इंक्रीज हुआ है और बेचने पे एसेट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका शेयर और परचेज आपका मेन इनकम या एक्सपेंस है। अदर देन दैट आपकी इनकम में और कौन सी आ सकती है, अदर इनकम कोई आ सकती है, अदर इनकम से मुराद है कोई आपने स्क्रैप में शेयर कर दी, या इसके अलावा सेल ऑफ एसेट, अगर आपने कोई एसेट शेयर किया है तो उससे आपको जो इनकम हुई है प्रॉफिट पे अगर आपने शेयर कर तो वो आपका। और परचेज में मेन एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अलावा आपको रेंट एंड रेट्स हो गए, रेंट एंड रेट्स के अलावा आपका जो है मार्केटिंग का एक्सपेंस हो गया, उसके अलावा आपका एडमिन का एक्सपेंस हो गया, आपकी सैलरीज एंड वेजेस हो गई, या जो भी कुछ आपका इस तरह का जो आपको नॉर्मल कोर्स जो आपको ज़रूरत है बिजनेस ऑपरेशन के लिए, तो वो सारे के सारे जो हैं वो आपके नॉर्मल एक्सपेंस में आ जाते हैं। तो ये बेसिकली चार कैटेगरीज हैं जिनको हमें पता होना चाहिए था ताकि हम इसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग की तरफ जा सकें, क्योंकि हमें अगर एसेट्स लायबिलिटीज इनकम और एक्सपेंस का पता होगा तभी हम उसको डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड कीपिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था जिसमें हमने बेसिकली अकाउंटिंग की बेसिक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि अकाउंटिंग हमसे करवाना क्या जाती है। हमने बेसिकली अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने देखा कि कौन सी चार चीज़ें हैं और अकॉर्डिंगली हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रेजेंट करनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए हमें तमाम बाकी चीज़ों की जरूरत है जो रिकॉर्डिंग से लेके समराइजिंग तक, रिकॉर्डिंग के लिए फिर हमने वो सारी कैटेगरीज पढ़ी। तो वंस यू गाइज आर डन विद दिस तो हम इसको इससे आगे लेके चलेंगे जो कि हमारा प्रॉपर रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, डबल एंट्री रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और उसमें हम बताएंगे कि डबल एंट्री रिकॉर्डिंग कौन से कंसेप्ट कैसे करते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है।